पांवटा साहिब नगर परिषद ने गांधी जयंती के मौके पर पांवटा साहिब में स्वच्छता अभियान चलाया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक सुखराम चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने यहां के यमुना बाल पार्क में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और जागरूकता रैली और स्वच्छता टीमों को हरी झंडी दिखाकर नगर की सफाई के लिए रवाना किया। उसके बाद टीमों ने गुरु गोविंद सिंह पार्क, नगर परिषद मैदान, सिविल अस्पताल सहित यमुना घाट पर और यमुना पुल के पास सफाई की। इस अभियान में तिब्बती सेटलमेंट भूपपुर और तिब्बती स्कूल के बच्चों ने भी योगदान दिया। विधायक सुखराम चौधरी, तहसीलदार वेद प्रकाश, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी एसएस नेगी, अध्यक्ष कृष्णा धीमान, उपाध्यक्ष नवीन शर्मा और पार्षदों सहित कार्यालय के कर्मचारियों ने गुरु गोविंद सिंह पार्क में झाड़ू लगाया। इस मौके पर विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि हमें सप्ताह में 2 घंटे साफ सफाई के लिए देने हैं, तभी महात्मा गांधी जी के सपने को साकार किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, पूरे भारतवर्ष में आज स्वच्छता अभियान को अपनाया गया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली। उनका सपना था कि भारतवर्ष स्वच्छ देश बने, इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में उनके इस शुभ दिन पर सबने आज संकल्प लिया है कि हम साल में 100 घंटे, सप्ताह में 2 घंटे इस स्वच्छता अभियान में अपने जीवन में देंगे। अपने पड़ोस को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को साफ सुथरा रखेंगे, ये संकल्प आज सबने यहाँ पर लिया है। क्योंकि जहाँ स्वच्छता होती है, जहाँ सफाई होती है, बीमारियाँ भी कम होती हैं। ये संकल्प आज हमने अपने यहाँ पर मिलकर नगर परिषद के अधिकारियों के सामने, एसडीएम पांवटा जिनके पास चार्ज है, आज तहसीलदार साहब के साथ उनके बीच में, अध्यक्षा जी हमारी नगर परिषद की, चेयरमैन हमारे, वाइस चेयरमैन नगर परिषद के, मैं आज सभी को अपनी ओर से ये अपील करना चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएं। जिस तरह से सुबह उठकर हमने अपने शरीर को स्वच्छ करना है, स्वस्थ रखना है, स्वच्छ करना है, उसी तरीके से हमने अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि हमने अपने देश को, अपने मोहल्ले को भी स्वच्छ रखना है। आज मेरी ओर से दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडीर की रिपोर्ट।